अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट 2019 का क्वेश्चन। फर्स्ट, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल एबॉलिशन ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर। महात्मा गांधी जी का रोल था ये स्टेटमेंट। सेकंड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स और कॉन्फ्रेंस गांधी जी नॉट सपोर्ट रिजोल्यूशन ऑन वर्ल्ड वॉर। थर्ड, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ फॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल द कॉलोनियल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। पहला स्टेटमेंट तो बहुत ही सीधा है, गांधी जी और कोई भी रिफॉर्म जहाँ पे इनजस्टिस और उसको सुधारना हो और वहाँ पे महात्मा गांधी जी नहीं है तो बहुत रेयरली दिखेगा, लगभग ना के बराबर दिखेगा। जहाँ जहाँ इनजस्टिस है, जहाँ जहाँ इनइक्विटी है, जहाँ जहाँ कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी की तरफ से डोमिनेंस देखा गया है, एक इंडस्ट्री के ऊपर डोमिनेंस देखा गया है, करेक्ट करने के लिए, सोशल जस्टिस लाने के लिए, सोशल जस्टिस महात्मा गांधी जी क्या रहते थे। पहला स्टेटमेंट क्लियर कट है। साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी का रोल उस समय रहा है, ब्लैक्स एंड ब्राउन्स, इंडियंस एंड अफ्रीकन्स, उनके राइट्स के लिए जो सिविल डिसोबिडेंस महात्मा गांधी जी ने किया था, तो डेफिनेटली वी कैन हैव द आइडिया। पहला स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, तो फिर से ही वुड बी एलिमिनेटेड। हमारे पास ए बी एंड सी, ये तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। दूसरा देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस, वॉर कॉन्फ्रेंस ये की वर्ड है, कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही क्यों, सेकंड क्यों नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास ही महात्मा गांधी, ये भी लॉजिक धर्म रहता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1900 हुआ था, महात्मा गांधी 1950 भारत में आने के बाद, उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स, वायसराय के जो वॉर कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने पार्टिसिपेट, उस समय होम रूल लीग मूवमेंट भी चल रही थी, ये भी चीज़ एक ध्यान में रख सकते हैं, उस समय होम रूल लीग भी चल रही थी। और उस वॉर कॉन्फ्रेंस में हम देखेंगे कहीं ना कहीं गांधी जी जो है, ऑफ कोर्स अभी अभी मैंने बताया, जहाँ पे भी इनजस्टिस हो रहा हो और सिर्फ वो इंडियंस के खिलाफ हो रहा है ऐसा नहीं है, किसी के भी खिलाफ हो, इनफैक्ट यूरोपियंस भी अगर होंगे उनके खिलाफ भी अगर इनजस्टिस होता है, महात्मा गांधी वॉज देयर फॉर ह्यूमैनिटी, वो कोई रेस नेशनैलिटी या एथनिसिटी देखते नहीं थे, वो जहाँ जहाँ पे ह्यूमैनिटी के खिलाफ इनजस्टिस वहाँ वहाँ पे उस फाइट करेंगे, गांधी जी का हॉलमार्क फीचर। और उस वजह से क्या है, आपको दिख महात्मा गांधी जी नॉट सपोर्ट रिजोल्यूशन ऑन, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको दिखेगा कि जो गांधी जी का अप्रोच रहा है, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी रही है और जो गांधी जी के एक्शंस रहे हैं या उनका जो लाइफ पाथ रहा, ये स्टेटमेंट क्लियरली उसको सूट करता है। भारतीयों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज रिक्रूट कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने क्रीमियन वॉर का एग्जाम्पल दिया था, भारत का पैसा और भारत के ही जो ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने अपने वॉर्स इंग्लैंड जितने टाइनी कंट्री को पूरे दुनिया में एम्पायर बनाना इम्पॉसिबल था, इंडियन सोल्जर्स की वजह से कर पाए थे। और इंडियन सोल्जर के बेहतरीन सोल्जर होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, और फिलहाल हम इंग्लैंड के अंडर थे, एक कॉलोनी थे, एक उपनिवेश थे, तो वी डिड नॉट हैव दैट पॉलिटिकल पावर। तो जाहिर सी बात है इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था सभी एरियाज में, इंडियन सोल्जर्स को भी फोर्सफुली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिक्रूट किया जा रहा था। तो उसके लिए जो रिजोल्यूशन था, जब इंग्लैंड जर्मनी के हाथों डिफीट सफर कर रहा था तो उसको और ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स की ज़रूरत थी,
वॉर कॉन्फ्रेंस जो लाई गई थी वॉयसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, रेजोल्यूशन पास हुआ था, और जो गांधी जी की विचारधारा है और जो उनका अप्रोच है वो देखने के बाद तो क्लियर है गांधी जी, जाहिर सी बात है वो डेफिनेटली ऐसे रिजोल्यूशन को, जैसे क्या है हम ऑटोमेटिकली ही है बट यही पे ट्रैप आता है बहुत ज्यादा भी क्लियर दिखती है वो उतनी क्लियर नहीं होती है। बहुत बार जो चीज सही लगती है सच लगता है वो सच हमेशा सच नहीं होता है, कई बार वो गलत भी हो सकता है। नहीं भले ही गांधी जी खुद इंडियन सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के, लेकिन उस समय जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी ने उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, अपोज नहीं किया। गांधी जी खुद नहीं चाहते थे कि इंडियन सोल्जर्स जो है उनको सेक्रीफाइस करना पड़े ब्रिटिश इंडिया, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय फाइट किया जा रहा था वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ फाइट हो रहा था, खास करके जर्मनी के खिलाफ फाइट हो रहा था। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे पास हिटलर नहीं है, फिर भी जो इंपीरियलिस्टिक जर्मनी था का जो अप्रोच था बहुत ही ज्यादा, और ये जरूरी था वर्ल्ड स्टेबिलिटी है तो वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं तो इंग्लैंड जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री वो सपोर्ट करना जरूरी है। एंड सेकंड थिंग जो मैंने बताया कि सुप्रीम मूवमेंट उस समय चल रही है, इस वजह से क्या है गांधी जी वॉज ऑफ द व्यू फिलहाल हम वॉर एफर्ट्स में इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे और उसके बदले में इंग्लैंड हमें स्वराज देगा। लोकमान्य तिलक उस समय स्वराज का दैट इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, तिलक का फेमस कोट है, स्लोगन है। वजह से क्या है कि वी वर फाइटिंग फॉर स्वराज बिकॉज सेल्फ रूल कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज के लिए फाइट कर रहे थे, सेल्फ रूल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, बट इट वॉज लाइक अ क्विड प्रो क्वो और फेवर फॉर फेवर, स्वराज बदले में कहीं ना कहीं हम वॉर एफर्ट्स में इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। और उस कॉन्टेक्स्ट को देखते महात्मा गांधी जी ने वॉर एफर्ट्स में रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग है आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है वन एंड तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको। तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इसके बावजूद भी याद नहीं भी आ रहा है तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको क्लियर हो जाएगा आपको मार्क्स। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कांग्रेस रूलर्स सॉरी कॉलोनियल रूलर्स, ये नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड बाय कॉलोनियल रूलर्स, जाहिर सी बात है ये सिविल डिसओबीडियंस या सविनय अवज्ञा जो होती है आंदोलन इसका समय की बात है। सॉल्ट लॉ ब्रेक कब किया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले, और जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था तो ऑटोमेटिक कांग्रेस को बैन किया गया था, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था, सही था आपका वन एंड थ्री ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरीके से चीजों को ध्यान में लेना है, कई बार जो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है या सही लगती है वो भी गलत हो सकती है, और इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट या स्टेटमेंट का बैकग्राउंड देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए, चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा फैक्चुअल है, लीडर्स के वगैरह नाम है और पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन तेज बहादुर सप्रू ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, बहादुर सप्रू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। सेकंड केसी नियोग योग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
पर ऑब्जर्व सर 19 का क्वेश्चन ये, एंड थर्ड पी सी जोशी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थोड़ा सा ये मॉडर्न इंडिया के साथ साथ पोस्ट का भी हिंट देते हुए बनाया गया है। Which of the following pairs is or are correct? Correct क्या है वो मैच करना है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली एंड वन टू एंड थ्री ओनली। तो अगर देखते हैं यहाँ पे तो वी विल गेट द आइडिया दैट सर तेज बहादुर सप्रू ऑफ कोर्स ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, वो इंडियन लिबरल फेडरेशन कहा जाता था। फर्स्ट वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट रोल, एंड तेज बहादुर सप्रू इज लाइक अ फेमस बैरिस्टर। बहादुर सप्रू क्या है, एक फेमस बैरिस्टर थे, इनका रोल आपको सो कॉल्ड आईएनए ट्रायल्स पे भी मिलता है। ये नेशनल आर्मी के जो थे के ऊपर जब ट्रायल चला था उनके ऊपर जब के तब तेज बहादुर सप्रू फर्स्ट करेक्ट चल जाएगा। लोग तो बाद में प्लानिंग कमीशन के साथ भी जुड़े हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट समय वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ऐसा भी नहीं है, देयर वर सो मेनी अदर डाइवर्स बैकग्राउंड्स। फिर से क्या ऐसी नियोग भी सही कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिक क्या है वन ओनली भी जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे व्हाट काम किया था, अभी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, यहाँ पे एक तो पता हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू लीव इट। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक या फैक्चुअल क्वेश्चन और थोड़ा सा वेग भी है, ट्राइवाइवर फैक्ट को लेके बेसिकली बताया गया है, ऐसा इंटरकनेक्शन भी नहीं है फैक्ट्स के बीच। ऐसे में क्या है लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन टू लर्न हाउ टू लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर नहीं पाए तो क्वेश्चन ना भी आना चाहिए, छोड़ना ये भी एक स्ट्रेटेजी है सक्सेस पाने की। हर चीज़ अटेम्प्ट करने से ही नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें छोड़ने से भी मिलती है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। पीएससी एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन रखती है तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो या किसी भी सब्जेक्ट से रखेगी उसको, बहुत ज़्यादा वेग लगेगा कई बार, लगेगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, क्या लॉजिक है, क्या समझ ही नहीं आया, तो सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है और सिर्फ आप डिसीजन मेकिंग सबसे ले सकते हो, वो ध्यान में लेने के लिए वो दिया गया है, उसका नॉलेज चेक करने के लिए क्या है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट और एज अ लास्ट रिसोर्ट कैन लीव इट, अगर कुछ कनेक्ट नहीं हो हैव टू ट्राई क्या चीज़ें कनेक्ट करिए, पॉसिबल वी शुड गो फॉर इट, नॉट पॉसिबल वी शुड, दिस इज अ केस, ये सभी चीज़ें रखिए।